हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका म्यूजिकल मैच चैनल पर एक बार फिर से। और गिटार सीखने की सीरीज में आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ, आज से एक्चुअल आपकी जो ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली गिटार सीखने की, सातवां वीडियो है। अभी तक हम लोग गिटार कैसे, क्या पार्ट्स होते हैं, उसकी थ्योरी, बेसिक चीज़ें, बोरिंग वाली चीज़ें अभी तक हम कवर कर चुके हैं। ट्यूनिंग कैसे करते हैं, फ्रेट्स को कैसे दबाना है, कैसे पकड़ना है गिटार को, ये सब बेसिक चीज़ें। अभी आज से मैं आपको गिटार की जो मेन चीज़ होती है गिटार प्ले करने के लिए, गिटारिस्ट क्या करता है, वो सब चीज़ें आपको सिखाने वाला हूँ। तो आज शुरुआत करते हैं हम मेजर स्केल से, ठीक है ना। तो अगर आपको स्केल नहीं पता तो आप जो म्यूजिक थ्योरी के वीडियोस हैं उनको आप देख लीजिए, आपको स्केल समझ में आ गया, आ जाएगा उससे। मैं उनको मिक्स यहाँ पे नहीं करना चाहूँगा, ये वीडियो एक्सक्लूसिवली गिटार के लिए है। तो स्केल यानी कि हम आज स्केल, मेजर स्केल बजाना सीखेंगे, और मेजर स्केल किस तरह से, उसका जो रूट होगा मेजर स्केल का, वो हम लेंगे फिफ्थ स्ट्रिंग पर। हर एक स्ट्रिंग पर आप रूट लेकर के मेजर स्केल प्ले कर सकते हैं, बट इस वीडियो में हम बेसिक सीखेंगे फिफ्थ स्ट्रिंग पर रूट लेकर के। तो स्केल में भी बेसिक स्केल लेंगे, सी मेजर स्केल। तो चलो देखो, सी मेजर स्केल सबसे पहले अपने को लोकेट करना है। सी मेजर स्केल कहाँ पर है, ये अपनी ई स्ट्रिंग है, ठीक है ना, ई स्ट्रिंग है। और पहले फ्रेट में जब हम इसको दबाएंगे तो एफ नोट है, उसके बाद में एफ शार्प, उसके बाद में जी, जी के बाद में जी शार्प, जी शार्प के बाद में ए, ये ए नोट आ गई यहाँ पर, ए नोट आ गई। और अपने को पता है कि पांचवी स्ट्रिंग जो है वो ए नोट पर ही ट्यून होती है, तो यानी कि इन दोनों का साउंड जो है सेम है, ठीक है ना। वो इसीलिए आपने जो पिछला वीडियो देखा था उसमें अगर आपका डाउट है तो मैं आपको बता दूं कि इसीलिए जो है हम फिफ्थ फ्रेट से लेकर के मैचिंग करके गिटार को ट्यून करते हैं, ठीक है ना। यानी कि सिक्स्थ स्ट्रिंग को फिफ्थ फ्रेट में दबा करके फिर फिफ्थ स्ट्रिंग को प्ले करते हैं, तो दोनों का साउंड सेम आना चाहिए, तब गिटार ट्यून मानी जाती है। ये कंसेप्ट है, ये अगर आप नोट्स इसमें लोकेट करोगे अपना जो म्यूजिक स्केल का वो लेकर के, तो आपको पता पड़ जाएगा कि कौन से फ्रेट में कौन कौन सी नोट्स है किस स्ट्रिंग पर। तो चलो मेजर स्केल के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। पांचवी स्ट्रिंग ए नोट पर ट्यून है, ये ए शार्प बी सी, तो सी नोट अपने को मिल गई है फिफ्थ स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट में। और वहां पर अपने को जो अपनी सबसे बड़ी वाली मिडल वाली फिंगर है उसको अपने को रखना है, ठीक है ना। मिडल फिंगर को हम रख देंगे, और मिडल फिंगर को रखने के बाद में अपने को क्या करना है कि जो फर्स्ट इंडेक्स फिंगर है उसको हम सेकंड फ्रेट के लिए असाइन कर देंगे। अभी देखो वो वाली एक्सरसाइज आप याद करो, पहली वाली एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था कि पहले फ्रेट में पहली फिंगर रख दो, दूसरे में दूसरी, थर्ड में थर्ड, और फोर्थ में फोर्थ, ठीक है। उसी तरह से आप उसी चीज़ को याद करके यहाँ पर हमने सी नोट फाइंड आउट कर ली मिडल फिंगर पर, उसके नीचे वाले फ्रेट में फर्स्ट फिंगर रख दी, ऊपर वाले में सेकंड, थर्ड, और उसके बाद में फोर्थ, ठीक है ना। इस तरह से हमने असाइन कर दी। तो पहली जो नोट आती है गिटार की सी मेजर स्केल की, वो सहज सी नोट, और सी नोट अपने को मिल गई है फिफ्थ स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट में। उसके बाद में आगे बढ़िए, ये है सी शार्प और ये डी नोट। तो जो डी नोट मिली अपने को पिंकी, अपनी जो पिंकी फिंगर होती है सबसे छोटी वाली, ठीक है ना, उस पर अपने को मिल गई है सबसे छोटी वाली फिंगर पर। उसके बाद में चलिए अपने को आगे नहीं बढ़ना है, देखो अपने को ये जो चार फ्रेट है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इन्हीं चारों फ्रेट पे अपने को मेजर स्केल प्ले करना है। हम एक ही स्ट्रिंग पर नहीं प्ले करेंगे, ऐसा तो हर कोई कर सकता है, कोई भी कर लेगा, वो नोट काउंट करेगा, हाँ यहाँ पर डी आ गया, यहाँ पर डी शार्प ई, लेकिन उसमें स्पीड नहीं आएगी। तो अपने को थ्री स्ट्रिंग पर ही जो है सी मेजर स्केल प्ले करना है चार फ्रेट के अंदर। तो ये अपने को सी मिल गया, ये डी मिल गया। उसके बाद में चौथी स्ट्रिंग की बात करो, ये डी पर ट्यून्ड है, ये डी शार्प और ई ई, तो ई नोट अपने को मिल गया फर्स्ट फिंगर पर। उसके बाद में यहाँ पर डी शार्प और ये ई, ई नोट मिल गया अपने को फोर्थ स्ट्रिंग के फोर्थ फ्रेट में। उसके बाद में यहाँ पर एफ, उसके बाद में थर्ड स्ट्रिंग की बात करें तो थर्ड स्ट्रिंग में सेकंड फ्रेट पर मिल गया आपको कौन सा नोट, ए नोट, क्योंकि ये जी पर ट्यून होती है, जी शार्प और ए। अगर आपको डाउट आ रहा है म्यूजिक थ्योरी में तो आप म्यूजिक थ्योरी की क्लासेस देखिए, आपको लग रहा होगा कि बड़ी फास्ट बता रहा हूं मैं, लेकिन ये फास्ट कुछ नहीं है, आप म्यूजिक थ्योरी अच्छी तरह से समझ लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद में मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करना बता रहा हूँ उसको, म्यूजिक थ्योरी आप सीख लीजिए अलग वीडियोस में, और उसको यहाँ पर हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो आप सीख लीजिए। तो ये आ गया ए, ए नोट, उसके बाद ए शार्प, बी नोट यहाँ पर आ गया, और ये सी नोट यहाँ पर आ गया बी के बाद में सी। तो पूरा स्केल कैसे प्ले होगा ये देखो, सी डी ई एफ जी ए डी सी, इसी को सारे गामा में भी आप कर सकते हो है ना, सारे गामा पा दा री सा सा नी धा पा मा,
देखो ये माँ मैंने गलत कर दिया भाई। सारे या फिर आप इसको फिंगर के रूप में याद कर लीजिए, यानी कि थर्ड फ्रेट में फिफ्थ स्ट्रिंग पर आपको मिला कौन सा, सी नोट, रूट नोट, और उसके बाद में फोर्थ में मिल रहा है अगेन सेकंड नोट, यानी कि ये टू फोर वन, टू फोर वन थ्री फोर वन थ्री फोर, यानी कि टू फोर वन थ्री फोर वन थ्री फोर, टू फोर वन थ्री फोर वन थ्री फोर, फोर थ्री वन फोर थ्री वन फोर टू। अगर आप ये फिंगर याद रख लोगे तो आपको स्लाइड करने में इजी रहेगा। तो ये हमने सी मेजर स्केल यहाँ पर सीख लिया, आप अलग अलग स्पीड में इसकी प्रैक्टिस करो। अब अगर आपने सी मेजर सीख लिया ना तो आप पूरे 12 के 12 मेजर स्केल प्ले कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, सी नोट आपने यहाँ से सी से स्टार्ट किया इसको, मान लीजिए आपको सी शार्प का मेजर स्केल निकालना है तो सी से हम एक फ्रेट ऊपर जाएंगे और ये है सी शार्प नोट, और सी शार्प नोट पर ही जो पहले वाला जो मेथड है पूरा जो हमने वहाँ पे काम किया वो सब यहाँ पे रिपीट कर देंगे। तो ये आ गया सी शार्प, उसके बाद में ये रे, यानी कि मेजर स्केल में हिंदी में कन्वर्ट करता हूँ, सा रे गामा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, यानी कि टू फोर वन थ्री फोर वन थ्री फोर, फोर थ्री वन फोर थ्री वन फोर टू। ये मेजर स्केल अपने को मिल गया है सी शार्प का। डी का मेजर स्केल कैसे होगा, सॉरी डी शार्प का, यानी अपने को रूट पता पड़ गया और जो फिंगर की पोजीशन है चार फ्रेट में वो सेम टू सेम रहेगी सभी स्केल में। ये अगला स्केल, ठीक है ना। तो आप पूरे 12 के 12 मेजर स्केल यहाँ पर बड़े ही आसानी से प्ले कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए या मेरे फेसबुक पेज पर मैसेज कर दीजिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो चलो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।